मिताली, कौन कहता है कि ये खूबसूरत हाथ इतनी सफाई से किसी की जान भी ले सकते हैं? कहां से सीखा तुमने ये हुनर? याद नहीं आता, पर पापा फायरिंग रेंज जाया करते थे, मुझे भी साथ ले जाते थे. And I used to love it. अच्छा? वैसे उन्होंने मेरी परवरिश में कभी भी कोई कमी नहीं रखी. इतनी आजादी तो कोई अपने बेटे को भी नहीं देता जो उन्होंने मुझे दिए. और मिताली, तुमने भी उन्हें कभी निराश नहीं किया. मिताली, आज ओपी सफलता की जिस बुलंदी पर है उसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है. ये तो वही बता सकते हैं. फिलहाल मुझे उनसे उनकी बेटी की बात करनी है. मेरी बात? हाँ, तुम्हारी बात. मिताली, फिलहाल मेरा राजपुरा लौटने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं लौट पाऊंगा. मिताली, राजपुरा चलोगी? हमारी ब्याहता बन. देखिए, पुष्पा को अभी अस्पताल से ले जाना ठीक नहीं है. डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है. देख छोकरी, मुझे तो तू नियम कानून सिखा नहीं, मेरी तो जो मर्जी आए वो मैं करूंगी. चलो निकलो दोनों यहाँ से. अरे छूत की बीमारी हो तुम दोनों. अब पापा यहाँ आ गए ना, सब ठीक कर देंगे. पर माँ जी, सोनू का इलाज पीएससी में ही हो सकता है, वरना जान का खतरा भी. फिर शुरू कर दी ना बकवास तूने. अम्मा, क्यों बिगड़ गई है अम्मा? तू करा ना अपना अनुष्ठान, सोनू को मैं पीएससी ले जाता हूँ. मेरे बाबा की रक्षा भी मिलेगी और सरकारी अस्पताल में डॉक्टर इलाज भी मिल जाएगा. शंकर भगवान, मेरे बच्चे को किसी तरह ठीक कर दे. तो मेरी जान ले ले, पर उसकी जान बचा ले. बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी. क्या है? बहन जी, वो मेरा बेटा सोनू. थोड़ा धीरज रखिए, डॉक्टर देख रहे हैं. लेकिन वो बहन जी, बहन जी, बहन जी, बहन जी, कुछ तो. बहन जी, कैसा है मेरा सोनू? मौसी, अभी कुछ पता नहीं चला उसके बारे में, पर आप घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा. डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं. मौसी, आप बैठिए.
हौसला रखिए मौसी, सोनू ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी, वो बद्री भैया का बेटा कैसा है? आप डॉक्टर साहब, मैं कमला, राजपुरा की आशा, मैं ही उसे यहाँ लेकर आई थी। ओह, बच्चे में पानी की काफी कमी हो गई, आपने ठीक किया उसको यहाँ ले। अगर ज्यादा देरी हो जाती तो बच्चे को कुछ भी हो सकता था, मगर अब घबराने की कोई बात नहीं है, बच्चा एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, हम अपने पोते सोनू को घर कब ले जा सकेंगे? जब हमें पूरी तसल्ली हो जाएगी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है, आप उसे घर ले जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जब आप कहेंगे हम तभी मुन्ना को घर ले जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा बेटा। आपको शुक्रिया मेरा नहीं, आशा बहन जी का करना चाहिए, जो बच्चे को सही समय पर अस्पताल लेके आए। ठीक है, ध्यान रखिए। बहन जी, मैं आपका यह उसका कैसे उतारूंगा? कैसी बातें कर रहे हैं बद्री भैया? नहीं बहन जी, आपने और नर्स बहन जी ने जो हमारे लिए किया वो आजकल के जमाने में कोई अपनों के लिए भी नहीं करता। अगर पहले भी आपकी बात मानी होती तो शायद आज पुष्पा जिंदा होती है। बद्री भैया, अब तो आप आगे की सोचो, पूरे परिवार का सहारा आप ही को तो बनना है। तीन छोटे छोटे बच्चे, उनका ख्याल आप ही को तो रखना है भैया। पर आप अकेले नहीं हो, मौसी है आपके साथ, और फिर हम लोगों से भी जो बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं जानती हूँ भैया, जिंदगी कभी कभी बहुत मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। अपनों को खोने का दुख मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, पर भैया जिंदगी तो चलती ही रहती है, और शायद यही हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। हाँ बहन जी, अब ये बच्चे ही तो मेरी पुष्पा की निशानी है, अब इनका मुंह देख कर ही तो जीना। हाँ भैया, अब आप सबको एक दूसरे की ताकत बनना है, बच्चों का ख्याल आप ही को रखना है भैया, और सबसे पहले आपको बच्चों को टीकाकरण कैंप में लेकर आना है। लाऊंगा बहन जी, मैं बच्चों को लेकर जरूर आऊंगा। और भैया, मैं चाहती हूँ कि आप छुटकी और बिटिया को स्कूल भेजना शुरू करो, क्योंकि भैया शिक्षा से बड़ा धन और कोई नहीं है। ठीक कह रही हो बेटी, अगर आज हम खुद पढ़े लिखे होते तो वो गलती ना करते जिससे अपनों की जान चली जाए। आ गए आप? नहीं, मेरा भूत आया, मैं तो अगली गाड़ी से आऊंगा। देख रही है, फिर फालतू बकवास कर रही है। जी जब वापस आ रहे हैं, तैयारी शुरू करो। कैसी तैयारी? तुझे पैरों पर घुंघरू बांध करके ताता थैया करने के लिए तो नहीं कहूंगा मैं। जीजा वापस आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी करो। इस बार वापस आने में देरी हो गई उन्हें। देरी की वजह भी साथ ही आ रही है। क्या मतलब? अपने जीजा शहर से नई बीवी लेकर आ रहे हैं। क्या, ये क्या कह रहे हैं आप? बड़े घर की मालकिन के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, ऐसा कहा है जीजा ने, समझ गई? पर इतनी जल्दी? जीजा है वो अपने मैयत पर पकवान चढ़ाने की पुरानी आदत है उनकी।
अब गांव में तो पंचायत ही माई बाप है ना साहेब। अपने सुझाव और विचार इस पते पर भेजें, क्योंकि जीना इसी का नाम है। पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।